गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको छाया मत छूना कविता का पहला काव्यांश पढ़ाया था, आज आप उसका दूसरा काव्यांश पर देखिए। यश है ना वैभव या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। पहले अर्थ देख लीजिए। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, वैभव का मतलब होता है सुख संपन्नता, मान का अर्थ है सम्मान और सरमाया माने पूंजी धन, और भरमाया का मतलब होता है भ्रमित होना। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य यश वैभव सम्मान धन के लिए जितनी ही कामना करता है, मतलब जितना ही उसके पीछे दौड़ता है, उतना ही भ्रमित होता रहता है। ये सुन लीजिए, पहली दो पंक्तियों का अर्थ बताया मैंने आपको कि कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य यश वैभव सम्मान धन के लिए जितनी ही कामना करता है, उसको पाने की जितनी भी इच्छा करता है या उसके पीछे दौड़ता रहता है, वह उतना ही भ्रमित होता रहता है। अब अगली पंक्ति देखिए। प्रभुता का शरण बिंदु केवल मृग तृष्णा है। पहले मृग तृष्णा का मतलब समझ लीजिए। मृग तृष्णा जो है वो मृग क्यों पड़ा इसका नाम, तृष्णा तो होती है इच्छा, ठीक है, तो मृग क्यों पड़ा, मृग तृष्णा क्यों रखा इसका नाम, मृग मरीची का भी कहते हैं इसको, तो क्योंकि जैसे मृग जो होता है ना रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है, बहुत तपती हुई गर्मी, तो दूर रेत पर हिरण को जल होने का आभास होता है, उसे ऐसा भ्रम होता है, ऐसा शक होता है, मानो दूर रेत होती है लेकिन उसको ऐसा आभास होता है मानो जल है, और वो क्या करता है कि गर्मी में प्यास से व्याकुल होकर जल के पीछे पीछे भागता है और उसकी ओर जाता रहता है, वो आभास उसका दूर होता रहता है क्योंकि रेत ही रेत होती है, तो इसी को मृग तृष्णा कहते हैं, वो भागा चला जाता है लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे मनुष्य है, काव्यांश में मृग तृष्णा जो है वो मृग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य भी तो वो करता है यश धन वैभव इन सब के पीछे भागता रहता है और भ्रमित होता रहता है इनको पाने के लिए, तो यहाँ काव्यांश में मृग तृष्णा मनुष्य के लिए। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब है बड़प्पन का एहसास, बड़प्पन का एहसास। अब देखिए इसका, कवि कहते हैं कि बड़प्पन का एहसास मतलब अनुभूति मृग मरीचिका के समान है या मृग तृष्णा के समान है, या आप कह सकते हैं जो यथार्थ नहीं है, यथार्थ कहते हैं वास्तविकता को, सच्चाई को, असलियत को, तो बड़प्पन का एहसास या अनुभूति मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा कहते हैं जो यथार्थ नहीं है, जो भ्रम की स्थिति होती है, जो आदमी को भटकने के लिए विवश करती है, मजबूर करती है, और वो मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, इसलिए इसमें काव्यांश में मृग तृष्णा मृग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि मनुष्य के लिए हुआ है कि मृग तृष्णा है मनुष्य के अंदर इन सब चीज़ों को पाने की। तो बड़प्पन का एहसास अनुभूति जो यथार्थ नहीं है, भ्रम की स्थिति है, मृग तृष्णा है जो भटकने के लिए मनुष्य को विवश करती है। अब अगली पंक्ति देखिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका आप जानते हैं, वो जो चंद्रिका चांदनी और कृष्णा काली, तो कवि के अनुसार चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है। जब चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि सुख के बाद दुख की भी संभावना रहती है, अगर आप सुखी सुख भोगेंगे तो वो हो नहीं सकता, सुख के बाद दुख भी मिलता है मनुष्य को, तो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए कवि ने कहा है कि चांदनी रात के बाद काली रात का भी आगमन होता है, काली रात भी आती है, अर्थात सुख के बाद दुख की भी संभावना रहती है। अब आखिरी दो पंक्तियाँ। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ कहते हैं वास्तविकता को, जो वास्तविक है उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा
दुख दुगना दूना। इसलिए कल्पना लोक में न विचर कर, कल्पना लोक में विचरण नहीं करना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, यथार्थ यानी वास्तविकता का सामना करना चाहिए, उसी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में यथार्थ की ही पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसी में उसी स्थिति में जीने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। इसलिए कल्पना लोक में विचरने से दुख और बढ़ जाएगा, और प्रबल हो जाएगा, उसमें और तेजी आ जाएगी। इसलिए मनुष्य को यथार्थ में जीना चाहिए, कल्पना लोक में विचरण नहीं करना चाहिए।